अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर कॉमेडियन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो ये वीडियो पूरी होने वाली है लेग्स वर्कआउट के ऊपर। तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख के बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता हूँ। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2019 और 2021 तक मैं ब्रो स्प्लिट ही फॉलो करता था। बट इन 2022 आई चेंज माई वर्कआउट प्लान एंड स्विच टू पुल पुश लेग वर्कआउट। सो एक पुश पुल लेग वर्कआउट कुछ इस तरह का दिखता है, 6 वर्किंग डेज एंड 1 रेस्ट डे। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना लेग वर्कआउट इन डेप्थ शेयर करूंगा। इस पूरे वर्कआउट में हम सिर्फ 4 एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हम लेग्स को वीक में 2 बार ट्रेन करेंगे। बिफोर गेटिंग टू द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट। सो स्क्वाट के मैं 6 सेट परफॉर्म करता हूँ, जिसमें से 3 मेरे वार्म अप सेट होते हैं और 3 मेन सेट। 5 to 6 सेट परफॉर्म करने का रीज़न ये है कि उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप में ब्लड फ्लो बढ़ जाए। सो दूसरी एक्सरसाइज है लेग प्रेस। लेग प्रेस में आप अपने फुट को जितना ही लेग प्रेस प्लेटफॉर्म के नीचे प्लेस करेंगे, उतना ही वो मूवमेंट आपका क्वाड डोमिनेंट मूवमेंट बन जाएगा। प्रो टिप, लेग प्रेस करते वक्त अगर आप अपने फुट को थोड़ा आउटवर्ड प्लेस करेंगे तो वो मूवमेंट आपके इनर क्वाड पे ज्यादा फोकस करेगा। to the
तो तीसरी एक्सरसाइज है सिटेड लेग कर्ल। सिटेड लेग कर्ल बाकी सारी कर्ल मूवमेंट में सबसे अच्छी कर्ल मूवमेंट है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें आपकी अपर बॉडी बिल्कुल लॉक होती है और अपर बॉडी लॉक होने की वजह से आपकी मैक्सिमम टेंशन आपके हैमस्ट्रिंग पे ही आती है और आप अपना मैक्सिमम लोड सिर्फ हैमस्ट्रिंग की वजह से ही पुल करते हैं। तो फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज है काफ रेसेस। हर रैप में आपको टेम्पो में ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। मेक श्योर आप नीचे जाते वक्त एक अच्छा स्ट्रेच करें और वहां पे होल्ड करें। काफ रेसेस करते वक्त आप अपने टेम्पो पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जर्क करने से काफ की एक मसल दूसरे मसल पे चढ़ जाती है जो कि बहुत पेनफुल होता है। सो लेग वर्कआउट के बाद मैं एक सेट हाइपर एक्सटेंशन का भी परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि लेग वर्कआउट में ड्यूरिंग दी स्क्वाट आपके बैक पे भी बहुत लोड आता है और बैक की स्टिफनेस कम करने के लिए एक हाइपर एक्सटेंशन का सेट मैं लगाता हूँ। आफ्टर माई वर्कआउट में 10 मिनट स्ट्रेचिंग भी करता हूँ, क्योंकि मसल में ज़्यादा रूम क्रिएट करने के लिए, जिससे मसल ग्रो होने में ज़्यादा स्पेस मिले, और स्ट्रेचिंग करने से मसल में स्टोर टेंशन भी रिलीज होती है जिससे आपको रिलैक्स फील होता है।